प्रताड़ना से ससुराल छोड़ने वाली महिला कहीं से भी दर्ज करा सकती है केस। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा है कि क्रूर व्यवहार या प्रताड़ना के कारण ससुराल छोड़कर मायके गई या किसी और जगह शरण लेने वाली महिला धारा 498A के तहत कहीं से भी मुकदमा दर्ज करा सकती है। वहां के कोर्ट को मुकदमे को सुनने का क्षेत्राधिकारी होगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, एल नागेश्वर राव और संजय किशन कॉल पीठ ने दो जजों की पीठ को विरोधाभासी फैसले के चलते तीन जजों के पीठ को भेजे गए कानूनी सवाल का जवाब देते हुए एक अहम व्यवस्था दी है। रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश के इस मामले में कोर्ट ने धारा 498A की व्याख्या करते हुए उसमें दिए गए क्रूरता के व्यवहार का विश्लेषण किया है। कोर्ट ने कहा है कि क्रूरता शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। 498A के तहत में दी गई क्रूरता की परिभाषा मद्देनजर ससुराल द्वारा सताई गई महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पति या रिश्तेदार की क्रूरता के कारण पत्नी का मानसिक तनाव मायके आने के बाद भी कायम रहता है। शारीरिक प्रताड़ना के कारण मिली मानसिक प्रताड़ना, बेइज्जती, लड़ाई झगड़े का असर मायके आने के बाद भी महिला पर बना रहता है। ऐसे में यह अलग अपराध है जो उसे मायके आ जाने या जहां पर शरण लेती है वहां तक जारी रहता है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल है कि क्या सताए जाने के कारण ससुराल छोड़ने को मजबूर हुई महिला मायके आकर भी जहां पर शरण लेती है वहां सताए जाने वालों के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती है। फैसले का क्या होगा असर? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में उन महिलाओं को राहत मिलेगी जो सताए जाने के कारण ससुराल छोड़कर आ जाती हैं। अगर मायका ससुराल से दूर है, दूर किसी और राज्य में है, तो अपने मायके के ससुराल वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा पाती थी। उन्हें मुकदमा दर्ज कराने के लिए वहीं जाना पड़ता था जहां उनका ससुराल स्थित है, लेकिन अब उन्हें इस परेशानी से नहीं गुजरना होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।